तो आज हम यहाँ पर बनाएंगे डुबकी वाले आलू और कचौरी। ये कचौरी मैंने केवल नमक और अजवाइन डाल करके बनाई। आप चाहें तो आप इसे प्याज की कचौरी भी बना सकते हैं या आलू की कचौरी बना सकते हैं, और इस सब्जी के साथ खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आप यकीन मानिए, एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा आपका। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेंगे आलू। यहाँ पर मैंने आलू 5 से 6 आलू लिए हैं। इसे हम बॉईल कर लेंगे और इसे छील लेंगे। और इस सब्जी का नाम मैंने डुबकी वाला क्यों रखा है, क्योंकि ये जो सब्जी है ये मथुरा की फेमस सब्जी है। ये मथुरा में डुबकी वाले आलू के नाम से ही जानी जाती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने बारीक मिर्ची कट कर ली है, और यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक ले लिया, इसे भी बारीक कट कर लिया। यहाँ पर 1 टमाटर ले लिया, इसे भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। और इन सब चीज़ों को बारीक एकदम कट करेंगे और बस उसके बाद में सब्जी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सूखे मसाले लिए हैं, काली मिर्च, जीरा, सौंफ, और यहाँ पर है खड़ा धनिया, साबुत धनिया, इसे हम दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तो मिक्सी के जार में इसे पीसा है, आप चाहें तो खलबट्टे में भी इसे या सिलबट्टे में भी दरदरा कूट सकते हैं। और सबसे ख़ास बात, ये सब्जी जब भी आप बनाएं तो इसे सरसों के तेल से ही बनाइएगा, तभी इस सब्जी में स्वाद आएगा। और जैसे ही यहाँ पर देखिए तेल गरम हो गया, बस इसमें हम जीरा ऐड कर देंगे, अदरक, मिर्च, ये सब चीज़ें इसी में हम ऐड कर देंगे और इसे थोड़ी देर यहाँ पर हम भून लेंगे एकदम मीडियम फ्लेम पे। और बस उसके बाद में जैसे ही ये सब पक जाएगा तो इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। तो मसाले में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ तो ले नहीं जाएगा, ये जाएगा हींग। उसके बाद पर यहाँ पर हम ऐड करेंगे हल्दी। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से कोई भी मसाले यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बेसिक से मसाले यूज़ कर सकती हूँ जो कि घर में मिल जाए जल्दी से। उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे धनिया पाउडर, और यहाँ पर थोड़ी सी जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च, और उसके बाद जो हमने खड़े मसाले दरदरा कूट कर या पीस करके रखे थे वो हम ऐड कर देंगे। और 1 मिनट तक इसे हम स्लो फ्लेम पे भून लेंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा जले नहीं। उसके बाद हम ऐड कर देंगे टमाटर जो हमने बारीक चॉप करके रखे थे, और यहीं पर हम ऐड कर देंगे इसमें नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। और बस यहाँ नमक ऐड करके इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि जो टमाटर है, टमाटर मरक यहाँ पर अच्छी तरीके से गल जाएँ। जब टमाटर गल जाएंगे तो इसी से जो सब्जी का हमारा टेक्सचर होगा वो थोड़ा सा मतलब गाढ़ा आएगा, तभी ये खाने में स्वादिष्ट लगेगा। आप चाहें तो इस जगह पर आप मटर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये जो सब्जी है ये खाली आलू से ही बनेगा ना, तभी ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और यहाँ पर बस जैसे ही मसाले पक जाएँ तो इसमें आलू मिक्स करके ऐसे हाथों से मैश करके ऐड कर दीजिए, और बस यहाँ पर जाएगा गरम पानी। लेकिन ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये सब्जी बनाएं तो इसमें कच्चा पानी बिल्कुल नहीं डालें। इसमें जब भी आप पानी ऐड करें तो पानी गरम किया हुआ रहे, यानी कि बॉईल किया हुआ पानी रहेगा, तो सब्जी भी बहुत अच्छी टेस्ट की आएगी। तो वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसमें आमचूर पाउडर, उसके बाद जाएगा थोड़ा सा यहाँ पर गरम मसाला, और अगर आपके पास है तो यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए। बस 2 मिनट तक इसे स्लो फ्लेम पे पकाइए, और बस धनिया पत्ती ऐड कीजिए, और ये सब्जी हमारी बन करके तैयार है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ये सब्जी आप एक बार बनाएंगे तो वाकई में बता रही हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बन करके तैयार होगी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि हमने जब इसे खाया ना तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार हुई थी, और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद आई थी। और ये सब्जी मैंने एक बार देखी थी रेसिपी में, ये जो सब्जी है ये मथुरा में डुबकी वाले आलू के ही नाम से जानी जाती है। जब भी आप किसी से पूछेंगे डुबकी वाले आलू तो बस मथुरा का नाम आएगा कि हाँ ये मथुरा में मिलता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है। आटा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक अजवाइन डाल करके गूँथ लिया था, और हल्का सा मैंने यहाँ पर तेल डाला है ताकि जो कचौड़ी है हमारी वो थोड़ी सॉफ्ट बने। और बस ये फूली फूली कचौड़ियाँ बन करके रेडी हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा,
और इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। हमको तो बहुत पसंद आई थी, कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं, बाय बाय।